हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुलदीप सनैया, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, नीट यूजी 2022 एमपी स्टेट लेवल काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है। तो अब जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हो चुकी है, उन लोगों को कॉलेज में जाके एक रिपोर्ट करना होगा और एडमिशन की सारी प्रोसेस को कम्प्लीट करना होगा। तो आज हम एमबीबीएस कॉलेज अलॉट होने के बाद एडमिशन की प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इससे रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हैं स्टेप्स ऑफ एडमिशन। तो अब एडमिशन की प्रोसेस को हम 6 स्टेप में समझेंगे। तो सबसे पहली स्टेप्स होती है स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना। तो जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसे बोलते हैं स्क्रूटनी फॉर्म। वो आपको फिल करना होता है, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करना होता है। वो कुछ इस तरह का होता है, जैसा इसका पहला पेज है जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करना है, और जो दूसरा पेज है इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट जो आप लगा रहे हैं उनकी डिटेल्स फिल करना है। वो आप देख रहे हैं, इसमें आपको नेम ऑफ इश्यूइंग बॉडी, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, साइनिंग अथॉरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, ये सारे डिटेल्स आपको फिल करना है जो जो आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उनकी। ये थी पहली स्टेप। उसके बाद देखेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? जनरेशन ऑफ एडमिशन स्लिप। इस स्टेप को हम अटेंडेंस भी कहते हैं। तो जब आपका जो फॉर्म भर जाता है तो आपको बुलाया जाता है, या तो आपको नंबर के हिसाब से या आपके नाम के हिसाब से आपको बुलाया जाता है। तो आपकी अटेंडेंस होती है, और अटेंडेंस होने के बाद आपको एक एडमिशन स्लिप जनरेट की जाती है जो कुछ इस तरह की होती है। आप देख रहे हैं, एमपी स्टेट कम्बाइंड यूजी काउंसलिंग एडमिशन स्लिप, इस तरह की एडमिशन स्लिप आपको जनरेट की जाती है। उसके बाद अगली प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो इसमें क्या होता है, आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होता है, जिसमें कुछ प्रोफेसर्स बैठे होते हैं जो आपको एक एक करके आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं कि नहीं, या आपके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट छूटा तो नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपको सीट लिविंग एंड रूरल एरिया वाला बॉन्ड बनवाने लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर उसे भी चेक करते हैं। ये आप वहीं पर आपका बन जाता है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे की प्रोसेस होती है, जो आपको आसानी से बन जाता है। फिर उसके बाद अगली स्टेप होती है ऑनलाइन स्टेप। ये स्टेप क्या होती है कि वहीं कॉलेज में एक ऑनलाइन कुछ आपको ऑप्शन चूज़ करने होते हैं। आपके फॉर्म में जो एडमिशन फॉर्म होता है उसमें कुछ ऑप्शन होते हैं जो आपको चूज़ करने होते हैं। जैसे पहला ऑप्शन होता है उसमें अगर आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आपको विलिंगनेस टू अपग्रेडेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आप सीट को लॉक करना चाहते हैं तो आपको नॉट विलिंगनेस टू अपग्रेडेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप कौन सी स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं। अगर आप जिस स्कॉलरशिप को लेना चाह रहे हैं उस ऑप्शन को चूज़ करना है, और आप नहीं लेना चाह रहे हैं तो नन वाले ऑप्शन पर चूज़ कर देना है। फिर उसके बाद आप अपनी स्कॉलरशिप को चूज़ कर लेंगे तो आपकी जो ट्यूशन फी है वो कंसेशन हो जाएगा उसका, और आपको केवल कॉशन मनी और फी पे करनी होगी। तो अगली प्रोसेस होती है फी पेमेंट की। इसमें आपको फी पेमेंट करना होता है। तो जिन स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप चूज़ की है उनको केवल कॉशन मनी पे करना होता है, और जिन स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप नहीं ली है उनको ट्यूशन फी एंड कॉशन मनी दोनों पे करना होता है। फिर उसके बाद अगली प्रोसेस होती है फाइनल एडमिशन स्लिप जनरेट। जब आपकी फी पे हो जाती है तो उसके बाद आपको जो फी रिसिप्ट और जो आपके जो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी कलर एंड ब्लैक एंड वाइट कॉपी हैं वो कॉलेज में जमा करनी होती हैं, और वो कॉलेज की तरफ से आपको एक एडमिशन स्लिप जनरेट करते हैं। वो कुछ इस तरह की होती है, मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख रहे हैं, इस तरह की एडमिशन स्लिप आपको जनरेट की जाती है, जिसमें आपके द्वारा जितने भी डॉक्यूमेंट जमा किए उनको वो लिखे होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपके द्वारा कॉलेज में जमा किए गए हैं। ये एडमिशन स्लिप आपको मिल गई है, इसका मतलब आपका एडमिशन पूरा हो चुका है।
जब आप कॉलेज से जाने के बाद आप इस एडमिशन को स्लिप को ज़रूर लेके जाएं, ये आपको भूलना नहीं है, क्योंकि यही आपका सबूत है कि आपका एडमिशन हो चुका है। तो ये थी सारी प्रोसेस जो एडमिशन के टाइम पे आपको करनी होती है, जो हमने बहुत ही आसानी तरीके से समझी। और अगर आपको कोई इसी में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।